कंफर्म है, 200% गोमांस है। प्रशासन प्रशासन अभी तक क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, अच्छा गिर गए थे क्या? गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जिसमें गौ मांस बोल रहा है कि गौ मांस है और बहुत ज्यादा महक भी रहा है। वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदा रहा है। गिर गए थे क्या भैया? जी गाड़ी का नंबर है UP25CT। यूपी का नंबर? हाँ यूपी का नंबर है। क्या हो सकता है इसमें? बहुत पुलिस वगैरह सारा कुछ नहीं कर रहा, कम से कम वहाँ पे गाड़ी तो रोक देता। नहीं रोक तो रहा, आप स्पीड में आए थे क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं रोक रहा, गाली दिया तब रोक रहा। ये देखिए ये भैया आ रहे थे और गिर गए। गाय के ब्लड उलड वहाँ पे था, देखिए वहाँ पे पानी जो धो रहा है वहाँ पे ब्लड था, भैया आए और गिर गए। ये देखिए अभी वहाँ पे 6-7 बंदा गिरा है, 6-7 बंदा गिरा, सब स्पीड में आ रहा होगा, खून पे फिसल जा रहा होगा ना। अरे स्लो में गिरे हैं, स्लो में। हमको यहाँ टर्न अभी रुक के ले रहे थे, उसके बाद गाड़ी स्लिप किया है। अब देखिए बहुत ज्यादा महक रहा है यहाँ पे, वीडियो बनाना भी मुश्किल है। चेक तो करता गाड़ी में गौ मांस है या फिर क्या है? क्या है? हाँ बात सही है, चेक तो करना है या क्या है, वो तो चेक नहीं किया है। अभी तो पता नहीं क्या है ना, सब बोल रहा है गौ मांस है, क्या है? बहुत ज्यादा महक भी रहा है। चलिए हम पहुंच गए यहाँ पे, सब पब्लिक नहीं है, क्या करें? बनाइए मैच निकालिए। ये देखिए इसी गाड़ी में गौ मांस की बात कही जा रही है, लेकिन पता नहीं क्या है, बहुत ज्यादा महक रहा है। और वहाँ पे ये देखिए गाड़ी जहाँ पानी गिरा रहा है वहीं पे पानी डाल रहा है, क्या है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड था जिसके कारण लोग गिर जा रहे थे। ये देखिए ये भैया लोग गिर गए थे, ये भैया लोग गिर गए थे यहीं पे, सब लोग आके गिरे हैं और यहाँ पानी डाल रहे हैं क्योंकि सब फिसल जा रहा था। उस गाड़ी में गौ मांस की बात कही जा रही है। अब गौ मांस है, कौन सा मांस है इसका कोई अता पता नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन गौ मांस कहा जा रहा है। अब गाड़ी में खुलने के बाद ही पता चल पाएगा क्या। सही बात, अभी किसी को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे महक रहा है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा गंध कर रहा है और लोग गिर यहाँ पे देखे गिर जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे धो पानी से धो रहे हैं। प्रशासन भी मौजूद है। ये देखिए क्या लग रहा है, किस चीज़ का मांस होगा, थोड़ा बताइए क्या थी? क्या क्या होगा उस गाड़ी में? बदबू दे रहा है या तो थोड़ा इधर आ जाइए, लाइट शुगर का मांस है क्या है, वो खुलेगा तिरपाल उसी के बाद ही पता चला। कितने बजे से गाड़ी लगल? गाड़ी 10 बजे से लगा हुआ। 10 बजे से लगल, अभी तक प्रशासन इसे लेने नहीं आया? प्रशासन आई चली गई, फिर आई, फिर अभी देखिए चली गई। हाँ क्या लग रहा भैया, क्या होगा इसमें? कन्फर्म है, 200% गौ मांस है। प्रशासन अभी तक क्या कर रही है? प्रशासन बोल रही है कि हड्डी उड्डी है उसमें, चमड़ा है नहीं, अगर हड्डी रहता तो। 10 बजे से NH पे वो गाड़ी खड़ी है और एक्सीडेंट हुआ था ना? जी जी। कैसे पकड़ाया वो? बाइक का एक्सीडेंट हुआ। दोनों का क्या हुआ? दोनों हॉस्पिटल में, बेगूसराय में। बाइक एक्सीडेंट होने के कारण वो गाड़ी पकड़ाया है और ड्राइवर उसका भाग गया ना? नहीं, ड्राइवर थाना के हैंडओवर में। अच्छा ड्राइवर थाना के हैंडओवर में ना। चलिए वो 10 बजे से ही गाड़ी खड़ी है लेकिन अभी तक प्रशासन उसको लेके नहीं गया है और बहुत ज़्यादा बदबू है। वहाँ पे जाना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे गए तो बड़ी मुश्किल था वहाँ पे ठहरना क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है और इतना बदबू है कि आप इस रास्ते से आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती लोग आ रहा है जा रहा है, वहाँ तक दिखाना संभव नहीं है। कोशिश हमने किया वहाँ तक पहुँचने का लेकिन पहुँच नहीं पाए। चलिए NH 31 का ये जगह है और बलिया के आसपास का, और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, प्रशासन भी अभी कुछ देर पहले था।